हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैंने बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई है और ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। मैंने आज इसे ब्रेकफास्ट में बनाया है। आप लोग भी बनाइए और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट का एंजॉय कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। मैंने जिसके लिए पत्ता गोभी ले ली है, इसको बंद गोभी भी कहा जाता है। तो इसको मैं अभी इसको अच्छे से वॉश करके और इसको चॉप कर लेती हूँ बारीक बारीक। ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है, इसको इस तरीके से चॉप करना है। ये देखिए ये हो गया है चॉप। मैंने एक कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल गरम किया है, एक बड़ा चम्मच मैंने तेल डाला है इसमें। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, बिल्कुल आधा से आधा चम्मच है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच। साथ ही साथ मैंने दो लौंग और एक काली मिर्च डाल दी है इसमें। दो तेज पत्ते डाल दिए हैं मैंने इसमें। एक जो मैंने खड़े मसाले डाले हैं, इससे सब्ज़ी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही साथ मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर डाले हैं। टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। ध्यान रहे कि टमाटर का पेस्ट ना डालें, टमाटर को रफली चॉप करके ही डालें। साथ ही साथ मैंने अपने स्वाद अनुसार नमक डाला है। मैंने आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़ी देर हम टमाटर को भूनेंगे। हमें टमाटर को पूरा गलाना नहीं है, सिर्फ इसको आधा ही गलाना है। गैस की फ्लेम लो है, लो फ्लेम पे मैं कंटिन्यू टमाटर को अच्छे से भून रही हूँ। थोड़ी देर टमाटर को भूनने के बाद मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मैंने आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले की आप क्वांटिटी एक बार देख लीजिए। बहुत ही कम मसालों से मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और बहुत ही अच्छी और फ्लेवरफुल सब्ज़ी बनेगी। अब मैंने इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च आप कम कर सकते हैं। और इसमें डालूँगी मैं अब थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले नहीं, मसालों को अच्छे से भूनने के लिए। इसको मिला लेंगे अच्छे से और गैस की फ्लेम कर देंगे हम मीडियम। मीडियम से थोड़ा सा कम ही रखेंगे। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसको ढक देंगे थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने इसे ढक दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए मसाला अच्छे से भून रहा है। मसाले को भूनना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी सब्ज़ी में। अगर मसाले अच्छे से नहीं भूनेंगे तो सब्ज़ी का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो मसालों को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ये जो घर के मसाले मैंने डाले हैं, इसे थोड़ा सा अलग है। बस ये कस्तूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च। अब मैं इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डालूंगी। ये दो चीज़ बहुत ही सीक्रेट है। अगर आप ये डालते हैं तो सब्ज़ी बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आपने बाहर से मंगाया है, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ डालने से। तो मैंने इसमें एक चम्मच कस्तूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दिया है। 2 मिनट मैंने मसाला अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच हींग। हींग डालने से हमारे पेट का डाइजेशन अच्छा रहता है और सब्ज़ी में जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो हींग बिल्कुल इसमें ज़रूर डालें। हींग को अच्छे से हम मिला लेंगे। गैस की फ्लेम लो कर दी है मैंने, क्योंकि मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज के। इसको अच्छे से मैंने धो के और काट लिया है। किसी भी शेप में आलू को काट सकते हैं। आलूओं को मसालों में अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। दो मिनट आलू और मसालों को भूनने के बाद मैं डालूंगी इसमें पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मैंने डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिला लूंगी। पत्ता गोभी और आलू को हम 2 मिनट इसलिए भून रहे हैं मसालों के साथ, ताकि हम जो मसाले का जो फ्लेवर है वो इसमें आराम से चला जाए। तो इसलिए हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। देखिए इस तरीके से। पत्ता गोभी बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चों का ये फेवरेट होने वाला है। इसे आप नाश्ते में बनाइए, डिनर में बनाइए, लंच में ऐसे दाल चावल के साथ 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 इसको इंजॉय कर सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। मैंने 1 कटोरी पानी डाला है। पानी मैंने तरी के लिए नहीं डाला है, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ ये सूखी सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने पानी डाला है, ताकि पत्ता गोभी और आलू अच्छे से पक जाएँ। क्योंकि पत्ता गोभी में से पानी रिलीज नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम पर मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया है मैंने।
5 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि आलू अब हमारे गले हैं कि नहीं, पके हैं कि नहीं। थोड़ा इसको मिला लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से अभी आलू मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, अभी नहीं हुआ है आलू, अभी कसर बाकी है इसमें। तो अभी हम सब्ज़ी को और पकाएंगे। इससे पहले मैं ये तेज़पत्ता निकाल दूंगी। तेज़पत्ता का काम हो चुका है, क्योंकि हम ज़्यादा देर अगर तेज़पत्ता छोड़ देते हैं सब्ज़ी में तो सब्ज़ी कड़वी हो जाती है। 80% सब्ज़ी डन है, तो मैं ये तेज़पत्ता बाहर कर देती हूँ। इसका जो फ्लेवर जाना था सब्ज़ी में जा चुका है। ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिला के फिर से ढक देंगे। दो से तीन मिनट के लिए फिर से मैंने ढक दिया है। मैं चेक कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। ये देखिए पानी पूरा सूख चुका है और सब्ज़ी बिल्कुल हमारी डन हो चुकी है। ये देखिए आप टेक्सचर देखिए सब्ज़ी का, बिल्कुल लग नहीं रही है कि हमने इतने कम मसालों में घर पे बनाई है। खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। अब मैं डाल दूँगी इसमें गरम मसाला, बिल्कुल आधा छोटा चम्मच गरम मसाला मैंने इसमें डाला है। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे गरम मसाला को। इसे आप खा के बिल्कुल आपको यकीन ही नहीं आ सकता है कि आपने ये घर पे बनाया है। ऐसा लगता है हमने बाहर से ही मंगाया है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है सब्ज़ी। ये देखिए आप टेक्सचर देखिए एक बार, पास से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे आलू चेक कर लेती हूँ मैं, बिल्कुल डन है। गैस को हम बंद कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का कोई भी अमाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास मेरे इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और मैं सब्ज़ी एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। मैंने इसे ब्रेकफास्ट में बनाया है, आप इसे लंच में और डिनर में बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।